अब यहाँ पर फिर से क्विक एक्शन की वजह से बच गया और उसके बाद सीधा अंदर जाके मेडिकेट लपेट ही रहा था कि इतने में यहाँ पर कैसे क्या हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज उतरे थे अपार्टमेंट में, जैसे यहाँ पर उतरता हूँ तो दो बंदे मेरे पीछे पीछे उतर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर भाई जहाँ पर मैं उतरा होता हूँ यहाँ पर कट्टे के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा होता। तो मैं दूसरे वाले अपार्टमेंट में जाकर के भाई पहले लूट करता हूँ और लूट करने के बाद भाई जहाँ बंदे होते हैं वहाँ पर पहुँचता हूँ और सीढ़ी पर पहला बंदा मेरे को TPP लेता हुआ दिखता, तो फिर देखो क्या होता है। तो यहाँ पर इसको नॉकआउट कर देता है और उसके बाद इसका बंदा इसको बचाने के लिए यहाँ पर पहुंच ही रहा होता है, तो मैं इसको कंधे में उठा करके सामने वाले कमरे में पटक देता है और उसके बाद भाई इसका बंदा आता है प्री फायर देते हुए, तो फिर देखो क्या होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी भी पेटी डाल देते हैं। और भाई जिस बंदे को मैंने कंधे पे उठाया था ना उसका नाम बड़ा मस्त है यार, उसका नाम था जलेबी। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मतलब यार जलेबी क्या नाम रखा है। और यहाँ पर एक और ये अच्छी बात थी कि भाई इस गेम में मेरे को एक भी बॉट नहीं मिलता, तो यार मजा बिल्कुल आएगा, तो पूरी वीडियो देखना। और इसके बाद यहाँ पर भाई जब हम यहाँ पर मटक ही रहे होते तो एक गाड़ी आती है जिसमें तीन बंदे होते हैं, तो देखो फिर क्या होता है। बंदे आ रहे थे तो मैंने सोचा नेड करता हूँ। अब यहाँ पर तुम्हारे भाई का तुक्का लग जाता है और यहाँ पर भाई दो बंदे मैं सीधा नेट से नॉकआउट कर देता हूँ, उसके बाद नीचे जाता हूँ और सीधा आग की बोतल फेंकता हूँ और भाई बंदों को जलाने की कोशिश करता हूँ, और फिर क्या होता है आगे देखो ना। तो चलो गाइस इसके आगे मैं ही बता देता हूँ क्या होता है। इसके आगे ये होता है कि भाई इन सबकी आराम से पेटी बन जाती है। भाई मैंने ऐसा नेड़ फेंका कि इन सबकी दुनिया हिल गई यहाँ पर, और भाई मतलब क्या ही इनकी पेटी बनी। अब यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर मैं पेटी लूटने की कोशिश कर रहा हूँ और भाई मेरे को आग लग गई और भाई बंदा पेटी लूट भी नहीं पा रहा, पता नहीं कुछ उठा ही नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सब ठीक हो जाता है, उठाते उठाते हैं और भाई ये जो जंगल झाड़ी की ऊपर वाली साइड है ना, ये जो मतलब रिज विज है, यहाँ पर भाई चार के चार बंदे आ जाते हैं। तो भाई पहले मेरे को फायरिंग की आवाज़ आती है और उसके बाद जब मैं स्कोप खोल के देखता हूँ तो बंदा भी दिखता, तो फिर क्या होता है वो देखो। छुप जाता है लेकिन इसके बाद मुंडी दिखाता है। तो जैसे इसको यहाँ पर नॉकआउट कर देते तो भाई आगे की तरफ ये लोग स्मोक बना देते उसको रिवाइव देने के लिए, तो मैं सीधा नीचे की तरफ कूद के भाई गाड़ी में बैठता हूँ आगे जाने के लिए। और भाई जैसे वहाँ पर पहुँचता हूँ ना तो मेरी हालत एकदम टाइट हो जाती है भाई, मतलब क्या ही बचा मैं, तुम देखो आगे। अब यहाँ पर मैं अपने क्विक एक्शन की वजह से बच जाता हूँ। खैर यहाँ पर भाई मैंने एक बंदे को नॉकआउट किया और एक बंदे को मेरे पार्टनर ने नॉकआउट कर दिया। अब आगे की तरफ मेरे को एक बंदा दिखता तो उसको यहाँ पर फायरिंग देते हैं। खैर यहाँ पर मेडिकेट लपेट लेता हूँ, थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, उसके बाद अपने यहाँ पर पोजिशन चेंज करता हूँ, उसके बाद दोबारा फायरिंग देता हूँ। तो गाइस ऐसे करने से ज़्यादा कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। उसके बाद यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो मैं फ्लैंक मार के भाई घूम के जाता हूँ पीछे के साइड से, और उसके बाद क्या होता है वो तो देखो ना। अब एक को नॉकआउट कर दिया और एक और बचा हुआ था जो कि पेड़ के पीछे ही छुपा हुआ था, तो उसके बाद मैं सीधा आगे जाकर नेड करता हूँ और उसके बाद भाई ये निकलता, तो फिर क्या होता है वो देखो। खैर यहाँ पर अब कहने की जरूरत है नहीं यार, तो यार वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा देना और कमेंट में बताना कि यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि यार मतलब अब ये तो मतलब मुझे पता है तुम कर ही दोगे यार, करने की मतलब कहने की तो कोई जरूरत है नहीं। खैर इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद ना बंदों को बहुत ढूंढते हैं हर जगह पर, बंदे कहीं पर भी नहीं मिलते हैं और अंत में जाकर के भाई पता नहीं कौन सी गुमनाम जगह पर, मैंने मैप को देखा नहीं, तो वहाँ पर भाई दो बंदे छत पर होते हैं, तो उसके बाद भाई गोली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आगे क्या होता है वो देखो। अब गाड़ी को बाजू में लगाते हैं और उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा डराने के लिए फायरिंग देता हूँ। अब हर तरफ से नेड़ी फटने की आवाज़ आ रही थी तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी क्यों ना नेड़ फेंकूँ, तो मैं नेड़ फेंकता हूँ। हाँ हाँ इस नेड़ से कुछ नहीं हुआ। इसके बाद यार मुझे दरवाज़ा आगे की तरफ दिखता है तो मैंने सोचा क्यों ना एक नेड़ दरवाजे में फेंक के देखा जाए, तो मैं दरवाजे में एक नेड़ फेंकता हूँ। और भाई इस बार यहाँ पर तुक्का एकदम सही लग जाता है, बंदा नॉकआउट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं आग की बोतलें फेंकता हूँ जहाँ पर भी मुझे बंदों की होने की उम्मीद थी, और मैं हर जगह आग की बोतलें फेंक देता हूँ। लेकिन उसके बाद भी भाई हमारा जो टीममेट होता है ना वो मेरी किल को कंफर्म यहाँ पर करता है, और यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरे को एक ही किल मिलती है, एक किल मेरा यहाँ पर टीममेट ले जाता है। खैर आप क्या ही कर सकते हैं। अब आगे की तरफ एक गाड़ी खड़ी होती है तो भाई मेरे को भेजा जाता है वो गाड़ी को लेने, लेकिन वहाँ पर मेरे को एक और गाड़ी वाला दिख जाता है दूर, जो कि पता नहीं एक पत्थर के पीछे बैठ करके शायद तपस्या कर रहा होगा, तो उसको फायरिंग देते हैं। भाग रहा था तो पकड़ने की कोशिश करता हूँ, बेकार की कोशिश। तो यहाँ पर बेकार की कोशिश को छोड़ते हैं और उसके बाद सीधा बंदों को लेकर के गाड़ी में बैठ करके वहाँ पर जाने की सोचते हैं कि अब जो होगा वहीं होगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये बंदा सीधा गंगा में कूद जाता है और इसको भाई पकड़ने के लिए मतलब क्या जुगन लगानी पड़ती है। खैर वहाँ पर पहुँचते हैं, देखो पहले भाई भाई 1 HP है।
दे एक तो। यार चलो यहाँ पर तुमको एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ। अभी यहाँ पर यह सीन होता है कि भाई जैसे ही बंदा पानी में कूद जाता है तो ये जो हमारे रैंडम टीममेट होता है ना भाई, वो उसकी पेटी बनाने के लिए एकदम उतावला होता है। तो भाई किल तो यहाँ पर मुझे भी चाहिए। तो यहाँ पर भाई कुल मिला करके सीन ये होता है कि भाई रिकॉर्डिंग में दिख नहीं रहा, मुझे पानी में बबल्स दिख गए थे तो मैं समझ गया था कि बंदा कहाँ पर है। तो भाई मैंने वहाँ पर फायरिंग दी और यहाँ पर मुझे किल मिल जाती है। और उसके बाद भाई मतलब क्या ही यहाँ पर मज़ा आ जाता है। अब यहाँ पर भाई आखिर का जो सीन होगा ना, तुम देखना, ये जो मतलब अब लगभग हम फाइनल की ओर बढ़ ही गए, तो भाई बहुत मज़ा आता है। तुम देखो यहाँ पर क्या होता है। नेट भी नहीं है। इसको फायरिंग देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, लेकिन मरते मरते बचता हूँ। अब यहाँ पर फिर से क्विक एक्शन की वजह से बच गया और उसके बाद सीधा अंदर जाके मेडिकेट लपेट ही रहा था कि इतने में यहाँ पर कैसे क्या हो जाता है। अब यहाँ पर इस बंदे ने तब तक गोली चलाया जब तक एक नंबर की पेटी नहीं बन गई। खैर यहाँ पर सांप दिखता है मार दी, तो यहाँ पर इसको फिनिश कर देते हैं। और उसके बाद भाई जब मैं आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में एक नंबर को AWM का पट से हेडशॉट पड़ जाता है। अब इसको मैं रिवाइव देने जा ही रहा था लेकिन बंदा क्या ही घातक स्नैपिंग कर रहा होता, मैं भी बाल बाल बचता हूँ एकदम। कर लेना स्मोक कर लेना। अब यहाँ पर एडवाइस मिलती है कि भाई यहाँ पर स्मोक कर ले, पर स्मोक करके करे क्या, जब बंदे को पता ही हम यहाँ तो भाई छुपे पड़े हैं। तो उसके बाद खैर इसको यहाँ पर रिवाइव देते हैं। रिवाइव देने के बाद ना जोन के किनारे पर एक बंदा भागते हुए दिखता है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। बंदूक में थोड़ी सी एमो रह गई होती है ना तो उसको पक्का पेल देता। खैर आगे देखो। उप्स, पर थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो गई। उसके बाद यहाँ पर भाई उसको फायरिंग देने के चक्कर में यहाँ पर मैं खुद ही नॉकआउट हो जाता हूँ। तो यहाँ पर भाई मतलब क्या ही बताओ, पता नहीं कहाँ से फायरिंग दे रहा था, दिमाग खराब हो गया था। खैर यहाँ पर रिवाइव शिवाइव लेता है। उसके बाद भाई आगे की तरफ ना मेरे को एक फ्री फंड में बंदा नॉकआउट दिखता है, तो फटाफट से उसकी पेटी की पेटी नहीं, उसकी किल चुराते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने जिसकी किल चुराया भाई वो उसे AWM वाले का साथी था, क्योंकि दोनों का नाम एकदम सेम टू सेम मैच हो रहा था, बस थोड़ा बहुत फर्क था। तो मैं समझ गया था कि भाई ये उसी का बंदा है। तो यहाँ पर भाई किल चुरा ली। अब यहाँ पर अंत में दो बंदे बचते हैं जिसमें से भाई ये जो AWM वाला होता है ना, एक को पेल देता है, तो यहाँ पर भाई एक ही बंदा बचता है। तो इसने मतलब एक और यहाँ पर मेरी किल कम कर दी। ऊपर से पता नहीं कहाँ छुपा बैठा था, इसको बड़ी देर से ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। अंत में जाकर के पता लगता है कि भाई एक पेड़ उसके पीछे बैठा हुआ है। तो देखो यार यहाँ पर मतलब अपना बदला तो लेना ही था, एक किल भी तो कम की थी। तो आगे देखो। अब यहाँ पर मैं मज़े मज़े में फायरिंग दे रहा था कि वो जहाँ पर भी बैठा हो भाई कुछ रिस्पॉन्स तो थे, क्योंकि एकदम चुपचाप बैठ गया था। कि इतने में हमारे भाई कहते कि भाई मतलब वॉच आउट करके कि उस जगह पर है। तो भाई मैं जा कर के देखता हूँ और भाई वो फिर देखो क्या होता है। थोड़ी बहुत फायरिंग देता है उसके बाद सीधा आगे बढ़ता है ताकि रैंडम टीममेट जो है वो उसकी पेटी ना बना जाए। और यहाँ पर मैं आग की बोतल फेंकता हूँ और भाई मैंने पक्का कर लिया था कि इसकी पेटी तो मैं ही बना के रहूँगा। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर हो जाता है भाई बिन्नर बिन्नर मुर्गी डिनर। तो यहाँ पर यार मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि यार इस मैच में एक भी यहाँ पर बॉट तो नहीं मारा, कम से कम असली बंदे थे जितने भी थे। तो यहाँ पर भाई इस बात की तो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई तुम्हें वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो यार अब तो लाइक का बटन दबा दो, वीडियो खत्म होने वाली है। और इसी के साथ साथ सब्सक्राइब कर दो और भाई बेल आइकन को ऑल पर दबा दो। और वीडियो में नहीं, कॉमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो भाई अब मैं आपसे मतलब क्या ही बताऊँ। तो यार कुल मिला करके आज की वीडियो इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा सायोनारा बाय बाय। And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we got?